मौलाना फजलुर रहमान हुकूमत से तआवुन पर तैयार हो गए। कहते हैं फॉर्म 45 की हो या 47 की, अब यही हुकूमत है, इसी से काम लेना है। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए सरबराह JUI ने कहा, तमाम मामलों को अपने अंदर समेटने, फैसलाबाद का घंटा घर और अमृत धारा बनने से मसले का हल नहीं निकलेगा, सियासी लोग ही मसाइल हल कर सकते हैं। समेत मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गौर के लिए तहरीके तहफ़ुज़ आईने पाकिस्तान का इजलास, सरदार अख्तर मेंगल खुसूसी दावत पर भी शरीक ना हो सके, उनकी जगह BNP के साजिद तरीन ने पार्टी की नुमाइंदगी की। इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में रहनुमा PTI असद कैसर ने कहा कि बलूचिस्तान की सूरत हाल पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला किया है। अख्तर मेंगल ने मायूस होकर कौमी असम्बली से इस्तीफा दिया, अगर सियासी लोग ऐसे मायूस होंगे तो इस ऐवान का कोई फ़ायदा नहीं। सरबराह इत्तेहाद महमूदा चकजई ने कहा, बलूचिस्तान समेत मुल्क की मसाइल पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई है, हुकूमत ने APC के मुतालबात नहीं माने तो मुल्कगीर एहतजाज करेंगे। महमूद खान अचकजई की क़यादत में अपोजिशन इत्तेहाद की अख्तर मेंगल से मुलाकात, इस्तीफ़ा वापस लेने का मशवरा। तर्जुमान वजारत खजाना ने कहा है कि IMF से मुज़ाकरात सिर्फ बैरूनी फाइनेंसिंग गैप पूरा करने पर हो रहे हैं। पंजाब हुकूमत की जानिब से बिजली के बिलों पर सब्सिडी देने से अब कोई मसला नहीं है। तवक्को है IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड स्टाफ लेवल मुहिदे की जल्द मंजूरी दे देगा। दोस्त ममालिक से रोल ओवर के बारे में IMF मुतमईन है। UAE बैंक और एक ग्लोबल बैंक से कमर्शियल कर्ज पर बातचीत जारी है, उम्मीद है जल्द मुस्बत नतीजा सामने आएगा। पूरी कोशिश है कि कमर्शियल बैंक से कमिटमेंट जल्द हासिल कर लें। ये टारगेटेड सब्सिडी है छोटे सार्फीन के लिए और इसके ऊपर जो है वो अभी तक हमें कोई कम्युनिकेशन नहीं है ऑफिशियली कि कोई मना किया है, ये जो इस तरह की खबरें चल रही हैं। और अगर कोई बात हो भी तो जाहिर है उस पर बात की जा सकती है। ये जो सोलर प्रोग्राम है या जो पहले बिजली का रिलीफ है, इस पर पंजाब हुकूमत ने अपने वसाइल से जो है ये तमाम रिलीफ दिया है। कोई लंबी चौड़ी कटौती जो है वो आवाम के मनसूबों में नहीं होगी, कटौतियां होंगी तो वो हमारे अपने रिसोर्सेज से, हमारे अपने खर्चों से, हमारी अपनी चीजों से बचत करके जो है वो होगी। पंजाब हुकूमत बिजली के बिलों पर 2 माह के टारगेटेड सब्सिडी अपने अखराजात कम करके दे रही है। IMF का अगर कोई एतराज़ है भी तो विफाक ने हमें नहीं बताया। वज़ीर इत्तला'आत पंजाब अज़मा बुखारी की जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू, कहा पंजाब में सोलर प्रोग्राम जारी रहेगा, IMF को कोई एतराज़ है तो इस पर बात हो सकती है। सोलर प्रोग्राम और बिजली बिलों में सब्सिडी के लिए आवामी मनसूबों से कटौती नहीं कर रहे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर अक्सरियत खो चुके हैं। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी का दावा, वज़ीर आला से एतमाद का वोट लेने का मुतालबा, कहा अली अमीन को चाहिए कि बाज़ाब्ता तौर पर एतमाद का वोट लेने के लिए कहे जाने से पहले अपनी अक्सरियत साबित करें। कहा 4 इजलास मुलतवी हो चुके, वज़ीर आला खुद इस अपनी असम्बली में जाने से कतरा रहे हैं। सवाल उठाया कि वज़ीर और मुशीर क्यों बदले जा रहे हैं, अगर कोई करप्ट या नाअहल है तो उसे सजा क्यों नहीं दी जा रही। शराब बरामदगी केस में वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर के नाकाबिल जमानत वारंट जारी, तिब्बी बुनियादों पर हाजिरी माफ़ी की दरख्वास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट का SHO बाराकहू को कल अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। इस्लामाबाद पुलिस ने अली अमीन गंडापुर के वकला को भी वारंट गिरफ्तारी की कॉपी फराहम कर दी। पार्लियामेंट का मुश्तरक इजलास कल बुलाने का फैसला, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की एडवाइस पर सदर मुमलिकत ने मुश्तरक इजलास तलब किया। ज़राए के मुताबिक इजलास में मुतादिद बिल कानून साजी के लिए पेश होंगे, ये बिल सेनेट और कौमी असम्बली से मंजूर नहीं हो सके थे। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी कर दिए गए। इलेक्शन कमीशन ने 29 सितम्बर को बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद का ऐलान किया था। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि बल्दियाती एक्ट में तरमीम के बाद शेड्यूल नोटिफिकेशन ता हुक्म सानी मौतल कर दिया है। पिशावर में बल्दियाती नुमाइंदों का सूबाई असम्बली के बाहर एहतजाज, रेड जोन में दाखिल होने की कोशिश, पुलिस और मुजाहरीन की हाथापाई, पुलिस का लाठीचार्ज और शेलिंग, मुजाहरीन ने खैबर रोड को ट्रैफिक के लिए ब्लॉक कर दिया, 2 अफराद गिरफ्तार। मेयर पिशावर का कहना है कि बल्दियाती नुमाइंदों के इख्तियारात और फंड्स के मामले पर वज़ीर आला से मुज़ाकरात कामयाब रहे, बजट में बल्दियाती निज़ाम को 20% फंड्स देने पर हुकूमत ने रजामंदी जाहिर कर दी।
विफाकी और सूबाई हुकूमती इदारे बिजली वाजिबात के 2 खरब 56 अरब रुपये के नादहिंदा निकले। विफाकी हुकूमती इदारे बिजली तकसीमकार कंपनीज के 47 अरब 81 करोड़ के नादहिंदा हैं। सूबाई हुकूमतों के मातहत इदारे बिजली कीमत में 1 खरब 51 करोड़ के नादहिंदा हैं। आज़ाद जम्मू कश्मीर हुकूमत के महकमे डिस्कोस के 56 अरब 77 करोड़ के नादहिंदा हैं। वजारत तवानाई पावर डिवीजन ने तफसीलात कौमी असम्बली में जमा करवा दी। सिंध हुकूमत का असिस्टेंट कमिश्नर्स के लिए 138 डबल केबिन लग्जरी गाड़ियां खरीदने का फैसला। महकमे जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ने गाड़ियों की खरीदारी के लिए महकमे खजाना को 2 अरब रुपए जारी करने का खत लिख दिया। एक डबल केबिन गाड़ी की कीमत 1 करोड़ रुपए से ज्यादा है। वजीर आजम शहबाज शरीफ से कल अब्दुल्ला में सैलाब में फंसे लोगों को बचाने वाले एक्सकवेटर ड्राइवर की मुलाकात। वजीर आजम ने कहा मुहिबुल्ला कौम के हीरो हैं, उन्होंने मुसीबत में घिरे लोगों को बचाकर कौमी फरीजा अदा किया। वजीर आजम ने मुहिबुल्ला को 25 लाख रुपये का इनाम दिया। मुहिबुल्ला के बच्चों के लिए मुफ्त तालीम और ख़ानदान के लिए सेहत की मुफ्त सहूलियात का भी ऐलान किया। मुहिबुल्ला ने कहा कि कभी सोचा ना था कि वजीर आजम से मुलाकात होगी। एक्सकवेटर ड्राइवर मुहिबुल्ला कल अब्दुल्ला में सैलाबी रेले में फंसी गाड़ी में सवार ख़ानदान की जानें बचा चुके हैं। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज ने लाहौर में कंट्रोल एक्सेस कॉरिडोर बंद रोड पैकेज 2 और रावी ब्रिज तौसी मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर-ए-आला का अतराफ की आबादियों की सहूलत के पेश नज़र बंद रोड सर्विस लेन की मजीद तौसी का हुक्म। वज़ीर-ए-आला पंजाब की ज़ेर सदारत बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के की परफॉर्मेंस इंडेक्स से मुतालिक इजलास। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में KPI सिस्टम मुतारिफ कराने का फैसला। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के जुडिशियल मेंबर्स, मेंबर टैक्स, मेंबर कॉलोनीज और मेंबर कंसोलिडेशन की परफॉर्मेंस को भी मॉनिटर किया जाएगा। The Minister for Energy be pleased to state and the reasons for unannounced power outages in the country. Why are people suffering due to long hours of load shedding despite claims of having surplus electricity? Ji, Minister for Parliament. Sir, as I earlier mentioned that the load shedding issue is not only connected to the unavailability of electricity. It's all about the recoveries areas and the overall situation in that DISCO. But I would also like to state that the written answer seems contrary to the reality of the situation. And if the minister claims that there isn't load shedding, and then why are people, especially in my constituency, especially across Sindh, suffering for 2 to 3 days, 18 hours, sometimes with no electricity, with complete load shedding? Is the minister saying that 18 hours of outages every day are due to faults? इजाफी बिजली का दावा किया जाता है तो सिंध में 18-18 घंटे लोड शेडिंग क्यों है? कौमी असम्बली में आसिफा भुट्टो जरदारी का सवाल। आजम नज़ीर तारण ने जवाब में कहा बिजली ना होना लोड शेडिंग की वाहिद वजह नहीं, रिकवरी ना होने की वजह से भी लोड शेडिंग होती है। आसिफा भुट्टो जरदारी बोली उनके हल्के में 18 से 20 घंटे नहीं 2-3 दिन तक भी बिजली बंद की जा रही है। आजम नज़ीर बोले 18 से 20 घंटे लोड शेडिंग की आखिरी हद है, इससे ज़्यादा लोड शेडिंग की वजह कुछ और हो सकती है। अवामी नेशनल पार्टी, जमात इस्लामी, BNP मेंगल, जमीयत उलमा इस्लाम, समीउल हक ग्रुप, पाकिस्तान अवामी तहरीक और तहरीक लबैक पाकिस्तान समेत 10 जमातों ने आम इंतखाबात में 5% खवातीन को इंतखाबी टिकट नहीं दिए। और फाउंडेशन की दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन में समाअत। मेंबर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि आइन के मुताबिक सियासी जमातें जितने टिकट देंगी उसमें 5% खवातीन शामिल हों। स्पेशल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने कहा कि अगर खवातीन को 5% कोटा ना दिया जाए तो सियासी जमात की पार्टी रजिस्ट्रेशन मुतासर होगी। औरत फाउंडेशन के नुमाइंदे ने कहा चाहते हैं खवातीन को 5% टिकट कानून के मुताबिक दिया जाए। मेंबर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि आप हुकूमत को कानून साजी की दरख्वास्त करें कि 5% कोटा ना देना काबिल सजा जुर्म बनाया जाए। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में खवातीन को शामिल ना करने पर नून लीगी खातून MPA सोबिया शाहिद तमाम कमेटी से मुस्ताफी हो गईं। कहा खवातीन के साथ इम्तियाजी सलूक के खिलाफ एहतजाजन इस्तीफा दे रही हैं। खवातीन तमाम मामलों में यकसा मवाक़े और नुमाइंदगी की मुस्तहिक हैं। £190 मिलियन रेफरेंस में बानी PTI की अहलिया बुशा बीबी को बरी करने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। आज फरीकैन ने अपने दलाई मुकम्मल कर लिए, महफूज फैसला कल सुनाया जाएगा। नैब की जानिब से बुशा बीबी की दरख्वास्त बरियत की मुखालिफत की गई।
बानी पीटीआई का कहना है कि अदलिया वाहिद इदारा है जिससे उन्हें उम्मीद है। अदलिया को तबाह करने की कोशिश की गई तो सड़कों पर एहतजाज करेंगे। अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट में झूठ बोला जाता है कि उन्हें 5-star सहूलतें दी गई हैं। उनके पास वही सहूलतें हैं जो सजाए मौत के कैदी को मिलती हैं। नैब ने अलकादर यूनिवर्सिटी के एहतियात बंद करवा दिए। यूनिवर्सिटी बंद हुई तो उनका नहीं तलबा का नुकसान होगा। नैब तरामीम का फैसला 2.5 माह से इल्तवा का शिकार है। गेम खेला जा रहा है कि 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में सजा के बाद वो फैसला सुनाया जाएगा। मोहसिन नकवी ने क्रिकेट का बेड़ा गर्क कर दिया। बांग्लादेश से वाइट वॉश से बुरी शिकस्त और क्या होगी। थर में बारिश से खुश तालाब भर गए। टंडू मोहम्मद खान, सजावल, ठट्टा, गुलारची और बदीन के साहली इलाकों में भी बारिश। मीरपुर खास में बारिश के पानी की निकासी ना हो सकी। कई मकामात पर जमीनी राबता मुनकता। मुतासर इलाकों से लोगों की नकल मकानी। वजीर बल्दियात की 24 घंटों में पानी की निकास की हिदायत। दादू में गाज नदी के पानी की सतह कम होने लगी। दरियाए सिंध में पानी के खराज के बाद मंछर झील में पानी की सतह में कमी। बलूचिस्तान में सैलाबी रेलों से तबाही के बाद लोग अपनी मदद आप के तहत इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली में मसरूफ़। अब नदी का मुतबादल रास्ता अब तक ज़ेरे आब। नसीराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में बीमारियां फैलने लगी। जाफराबाद की मुरादाबाद कॉलोनी में बारिश के पानी की निकासी ना होने के सबब मकीनों को जल्दी अमराज और दीगर बीमारियों का सामना। झलमक्सी में सैलाब से मुतासर इलाकों की रबता सड़कें 6 दिन बाद भी बंद। PDMA ने मुतासर इलाकों में इमदादी सामान पहुँचाना शुरू कर दिया। बालाई इलाकों का ज़मीनी रबता मुनकता होने से बेशतर मकाम पर अब तक हुकूमती इमदाद ना पहुँच सकी। कराची में बारिशों से सड़कें खराब हुईं। सड़कें खराब होने से ट्रैफिक सुस्त हुआ। सुस्त चलते ट्रैफिक में जरायम की वारदातें बढ़ गईं। एडिशनल IG जावेद ओढ़ो का तज़िया। कुरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री से खिताब में कहा कि पुलिस की तवज्जो स्ट्रीट क्राइम कम करने पर है। सेफ सिटी के तहत 12,000 कैमरे 2 साल में लगेंगे। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत 4500 कैमरे लग चुके हैं। खाने के लाले पड़े हों तो अदालतों के चक्कर लगाने के लिए पैसे कहाँ से लाएं। मेरे पास कुछ नहीं बचा। 1 साल से लापता बच्चे जहीर की तलाश में मगन माँ ने दिल का हाल बता दिया। सिंध हाईकोर्ट से बच्चे की गुमशुदगी का केस वापस लेने को गुर्बत का नतीजा करार दे दिया। हैदराबाद की रहायशी महविश ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि कई दिन तक बच्चे खाना नहीं खाते, भूखे सो जाते हैं। गुमशुदा बेटा जहीर भी भूख के बायस ही घर से निकला। कराची की मुकामी अदालत ने कारसाज हादसा केस की मुलजिमा के शोहर की जमानत मंजूर कर ली। मुलजिमा की दरख्वास्त जमानत पर वकील सरकार, मुद्दई मुकदमा और तफ्तीशी अफसर को नोटिस जारी। 6 सितंबर तक जवाब तलब। मुलजिमा के वकील ने कहा कि मुलजिमा जहनी मरीजा और 2005 से जेरे इलाज है। हो सकता है उस पर जहनी अमराज की दवाओं का केमिकल असर हो। मुकदमे की दफात में दियत की गुंजाइश मौजूद है। मुलजिमा को जमानत दी जाए। MQM पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि 18वीं तरमीम के बाद इख्तियारात सिर्फ वज़ीर आला तक गए थे। MQM पाकिस्तान इन इख्तियारात को यूनियन तक पहुंचाने की बात कर रही है। ये सिर्फ कराची नहीं बल्कि पूरे मुल्क के 24 करोड़ लोगों के हकूक की बात है। बल्दियाती कानून में तरमीम के लिए गुज़श्ता रोज़ एक मुसवदा पार्लियामेंट में जमा करवाया है। अगले 2-3 हफ्तों में हमें पता चलेगा कि इन फैसलों पर अमल दरामद किस तरह होता है। इस्लामाबाद पुलिस की मेहनत रंग ले आई। पुलिस की 10 टीम ने रात दिन एक करके खातून फल फरोश का मकवी बच्चा बाजियाब करवा लिया। 7 माह के बच्चे को 31 अगस्त को F6 से अगवा किया गया था। अगवा में मुलविस खातून समेत 2 मुलजमान गिरफ्तार। मुलजमान के कब्जे से वारदात में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी भी बरामद। बच्चा वापस मिलने पर वालदा बेहद खुश। इस्लामाबाद पुलिस का शुक्रिया अदा किया।